मेरी प्यारी सी ज़ैनब गोंदल बैठी हैं, जो डाइटिशन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, और आज क्या एडवाइस, क्या मशवरा दोगी? क्योंकि ऑब्वियसली पहला रोज़ा है, तो कुछ ऐसे अगर आप पॉजिटिव मशवरे दे दें जो फिर पूरा रमज़ानुल मुबारक इंसान का सुकून से किसी तकलीफ़ के बगैर गुजर जाए, क्योंकि गैस्ट्रो के मसले ही होते हैं ज़्यादातर रमज़ानुल मुबारक। अगर हम इस रमज़ान की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे मौसम में आया है, जिसमें हमारे पास ऑरेंजेस भी अवेलेबल हैं, लेमन भी अवेलेबल है। बहारे रमज़ान, बहार है, एक फ्रूट्स की एक वाइड रेंज जो है वो अवेलेबल है। अब अगर हम देखें कि विटामिन सी इतना इनरिच्ड फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, कि अगर हम ऑरेंज का फ्रेश जूस इस्तेमाल कर लें या ऑरेंज को ही खा लें, तो हमारे दिन की जितनी भी प्यास थी, भूख थी, वो एक किस्म की कवर अप हम उससे कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट पंच तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें स्ट्रॉबेरीज भी डाली हैं, और स्ट्रॉबेरीज जो है वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि लाहौर पिछले काफी टाइम से बीमारियों का शिकार रहा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, कराची में भी आप देखिए लोगों की कितनी तबीयत खराब हुई है, इवन इस्लामाबाद में, पंजाब में तो काफी था, बट इवन सिंध में लोग बहुत बीमार हुए हैं इस बार। बिल्कुल, तो अगर आप स्ट्रॉबेरीज का, ऑरेंजेस का, लीमों का, तीनों फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन सी के इनरिच फॉर्म है, यानी आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है, इम्यूनिटी जो है आपकी, उसको बूस्ट करेगी, आपको रमज़ान में बीमारियों से बचाएगी। नंबर दो, आपका सारा दिन रोज़े के साथ गुजरा, प्यास की शिद्दत होगी बिल्कुल, तो उससे पहले आप अगर अपने लिए दुआएं मांग रहे होंगे और ये सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है, आपकी रूह जो है वो क्लेंस हो रही है, तो अपनी बॉडी को क्लेंस करने का भी ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। आप अपनी बॉडी को क्लेंस किस तरह से कर सकते हैं? आप अपनी खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद पानी इस्तेमाल करें, और उसके बाद अपना कोई सा फ्रूट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ फ्राइड आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि हम सबकी बहुत ही फेवरेट होती हैं, और अगर सामने हो तो दिल भी करता है, जैसे अभी हमारा भी कर रहा है, जरूर इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी ज़ैनब, लोग क्या करते हैं कि रोज़ा खोलते ही ना एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। देखिए, सिस्टम को शॉक में ना डालें, आपका सिस्टम एकदम से, जिस तरह इंसान सख्ते में नहीं चला जाता, आपका सिस्टम शॉक में चला जाता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है व्यूअर्स, कि पानी पिएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिस्टार्ट करें पानी पीना, और पिए कम अज़ कम 8 से 10 गिलास आपने पीने सहरी तक। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिन की भी तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। बिल्कुल, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पीते हैं तो एकदम से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसमें यही होगा, एकदम से आप बॉडी में पानी डालेंगे तो बहुत सारे लोगों में मैंने ये इश्यूज़ देखे हैं कि सर के दर्द का होना, पेट ख़राब होना, क्योंकि एकदम से जब बॉडी में आप पानी डालोगे तो पानी तो जाके सब कुछ फ्लोट करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी के जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं उनमें पानी बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो जो रमज़ान में वज़न कम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा था कि हम उस पर भी बात कर रहे होंगे, लेकिन आज उनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी कि जो पानी है उसको आधा आधा ग्लास करके पियेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ताकि आपके जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं उनमें पानी की एक मिकदार जो है वो अच्छी हो सके। यानी कि इफ्तार से ले कर सहरी के वक्त तक, बिल्कुल जिस टाइम में आपका रोज़ा नहीं है, आपने 8 से 10 ग्लास पानी मुकम्मल पीने हैं व्यूअर्स, और एक साथ नहीं पीने, स्पेस आउट करने हैं। एक दफ़ा रोज़ा खोलने आधे ग्लास से, उसके बाद फिर बेशक पूरा ग्लास पी लीजिएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता, डोंट सेंड योर सिस्टम इनटू शॉक। लेकिन चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टीज वाला पानी इस 8-10 ग्लास में पानी में इंक्लूडेड नहीं। भाई चाय से तो वैसे ही इंसान डिहाइड्रेट होता है। एक और बात भी, और लोग क्या कहते हैं, हाँ हमने पी लिया, हमने 3 कप चाय पी ली है। 3 कप चाय का मतलब है कि अब आपने 6 ग्लास पानी पीने उस 3 कप को पूरा करने के लिए। आपको पता है सलमा कि 1 कप चाय के साथ अगर आप 2 ग्लास पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। यानी कि हर कप चाय या हर कप कॉफ़ी के बरक्स आपने 2 ग्लास पानी पीना ही पीना है। तो 10-10 कप चाय ना पिए शाम को, रात को। आई नो वो होता है तरावियों का भी सिलसिला, तो सारी चीज़ें होती हैं, हम सारे इतने बिजी होते हैं चीज़ों में, चाय ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, 1000 किस्म की अब बोतलें भी मार्केट में आ गई हैं जिनके अंदर आप पानी डाल सकते हैं, जो BPA और ये फ्री और वो फ्री, उस तरह की एक बॉटल रखें। मेरा बेटा हमजा बड़ा कलमंद है, उसने इतना बड़ा वो कनस्तर जैसी की बोतल रखी है, उसके अंदर उंगली टाउ टों के उसको लेके घूमता रहता है। दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। मैं कहा ये क्या है, तो कहते हैं मामा भूल जाता है पानी, पानी ढूंढने के लिए बंदा निकलता है तो कभी कोई जूस पकड़ा देता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पकड़ा देता है, मैं पानी पास ही रखता हूँ। बिल्कुल, तो अगर आपका वर्किंग पर्सन है, आपका रोज़ा बाहर भी खुलना है, तो पानी साथ लेके निकलें। बिल्कुल,
और उसके साथ साथ कि आपने अपनी बॉडी में बाकी और क्या डालना है। पानी तो आपने डाल लिया, फ्रूट्स आपने खा लिए, हम सबको पता है। अब अगर आप दही बड़े खाना चाहते हो तो उसमें से कोशिश करें कि बड़ा भी खा लें, लेकिन हफ्ते में एक दिन खा लें। दही फुल्कियाँ जो है उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। दही क्या करेगा कि आपका जो सिस्टम ख़राब हो रहा होता है, यानी आपके मैदे में गर्मी हो रही होती है रोज़े से, वो उसको भी रिपेयर करता है और आप बड़े एक इफ़ेक्टिव वे में अपनी इफ्तार को बेहतर बना सकते हैं। अमेजिंग। फाइनली सलमा जी, सलमा मुझे बताइए आज आपकी कैसी रही ट्रांसमिशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, आपके साथ हमेशा ही बहुत अच्छा और यादगार वक्त गुजरता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी हमें बाहर रमज़ान से आन टीवी पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम एक्सपेक्टेशन पूरी भी हुई है और हमारी टीम को चूंकि बहुत इंतज़ार था इस ट्रांसमिशन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं।